हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, और फिर लास्ट में फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी। ये सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदेरिया, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार AM तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर
विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कपाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्यप्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें ये फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सेनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्यप्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटरिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्यप्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई।
वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की माँ के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वंस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे।
वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार, एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तल सानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर
सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला की साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें ये फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार, एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सेनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडिया अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी रिया, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला की साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को
भुलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में अडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें ये फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी, रियम अनुराधा पटेल, शिखा तल सानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भुलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन
अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में अडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूल भुलैया 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में अडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और
रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटरिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी, रियम अनुराधा पटेल, शिखा तल सानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर
18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी, रियम अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और
नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित। इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्यप्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें यह फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सेनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्यप्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटरिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्यप्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित। इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी,
राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में, गजराज राव सत्तू की माँ के रूप में, सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेड्डी रियम, अनुराधा पटेल शिखा तल सानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में, गजराज राव सत्तू की माँ के रूप में, सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेड्डी रियम, अनुराधा पटेल शिखा तल सानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी,
जिसे समीर विद्वंस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्यप्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार, एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्यप्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्यप्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तल सानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वंस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्यप्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका
निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें ये फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार, एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सेनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी, रियम अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी।
वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में अडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें ये फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेड्डी रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में अडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी।
वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्यप्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्यप्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्यप्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक
नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी, रियम अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है।
सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू
हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्यप्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें ये फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सेनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्यप्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटरिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्यप्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तल
सानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वंस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तल सानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वंस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका
नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को
भुलैया 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में अडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार, एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सेनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटरिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी, रियम अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भुलैया 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन
अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में अडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेड्डी रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्ट के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूल भुलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में अडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और
रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार AM तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटरिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें ये फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार AM तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर
18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडिया अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेडी, रियम अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और
नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित। इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेड्डी रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्यप्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्यप्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्यप्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित। इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्यप्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी,
राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में, गजराज राव सत्तू की माँ के रूप में, सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल शिखा तल सानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वंस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा अडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में अडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें ये फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सेनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव सत्तू की मां के रूप में, सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल शिखा तल सानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी,
जिसे समीर विध्वंस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विध्वंस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदेरियम, अनुराधा पटेल, शिखा तलसानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विध्वंस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था, बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका
निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाग और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूल भुलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में आडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सैनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटर रिलीज के लिए निर्धारित है। सत्य प्रेम की कथा समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में पूरी हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सत्य प्रेम सत्तू अग्रवाल के रूप में कार्तिक आर्यन और कथाम कबाडियम अग्रवाल के रूप में कियारा आडवाणी, राजपाल यादव सत्तू के पिता के रूप में गजराज राव, सत्तू की मां के रूप में सुप्रिया पाठक, सिद्धार्थ रेदे रियम, अनुराधा पटेल, शिखा तल सानिया हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो साजिद नाडियावाला द्वारा 23 जून 2021 को एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसे समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित किया जाएगा और कार्तिक आर्यन अभिनीत करेंगे। शीर्षक मूल रूप से सत्यनारायण की कथा के रूप में रखा गया था। बाद में विवाद के कारण इसका नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया था। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो साजिद नाडियावाला के साथ अपने पहले सहयोग में कार्तिक आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। बाद में यह बताया गया कि शार्वरी वाघ और अनन्या पांडे से संपर्क किया गया था, लेकिन दोनों ने अस्वीकार कर दिया। बाद में कियारा आडवाणी को भूल भुलैया 2 2022 के बाद उनकी दूसरी फिल्म में आर्यन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि जुलाई 2022 में हुई थी।
वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो यह फिल्म 3 सितंबर 2022 को मुंबई में फ्लोर पर चली गई और पहला शेड्यूल 6 अक्टूबर को समाप्त हुआ। नवंबर 2022 में उत्पादन अहमदाबाद गुजरात में चला गया। अंतिम कार्यक्रम 31 मार्च 2023 को कश्मीर में शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में अडवाणी ने शूटिंग पूरी कर ली थी। वही बात करें ये फिल्म की शूटिंग अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, श्रीनगर और गुलमर्ग में की गई थी। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत मिथ ब्रदर्स, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव और रोचक कोहली ने तैयार किया है। गाने के बोल कुमार, एम तुराज, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज और गुरुप्रीत सेनी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्षक नसीब से 27 मई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक आज के बाद 10 जून 2023 को जारी किया गया था। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म का टीजर 18 मई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 5 जून 2023 को रिलीज किया गया था। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को एक थिएटरिकल रिलीज के लिए निर्धारित है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।